इस प्राइस में इतने अच्छे मीशो पे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा राइसी हो जाता है। आपको थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं। हाँ मतलब मेरी राइट साइड है, अभी आप आपकी कौन सी साइड आएगा वो मुझे नहीं पता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांगी सिंह और अगेन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मीशो हॉल। सो मीशो से आज आप सबके लिए लेके आई हूँ स्ट्रेट कुर्ता सेट, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग प्राइस में, मतलब क्योंकि मीशो में बहुत सारी चीजें होती हैं। समटाइम्स मीशो आपको सरप्राइज भी करता है, समटाइम्स शॉक करता है एंड समटाइम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। सो लेट्स सी आज मेरी वीडियो में मीशो क्या करता है, सरप्राइज करता है, शॉक करता है या फिर डिसअपॉइंट करता है। वैसे मुझे पता है कि क्या करेगा, बट आप देखो वीडियो पूरा सो आपको पता चलेगा कि आज क्या होने वाला है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हमारा जो पहला सूट सेट है वो यही है जो मैं पहन के बैठी हूँ। ये ब्लैक कलर का है और स्ट्रेट कुर्ता है, इसके साथ पैंट है और पैंट में वन साइड पॉकेट है, राइट साइड में ये व्हाइट कलर का यहाँ पे कढ़ाई दिया हुआ है धागे से, जो इस तरीके से पूरा यहाँ पे शोल्डर्स में कढ़ाई दिया हुआ है, यहाँ पे कढ़ाई दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पे कितना अच्छा लग रहा है, जो मैं पहन के बैठी हूँ कितना सुंदर लग रहा है ये। और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये। मीशो ने हमें पहले ही सूट में सरप्राइज किया। आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। ये 714 रुपीज का है, 714 रुपए का। 714 रुपए का नहीं मिलता है गाइस। आप ये किसी अदर ऐप से लेने जाओगे, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से, वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा। एंड इफ अगर आप आउटडोर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो उस साइड मार्केट में, सो आपको वहां भी नहीं मिलेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। और इसमें आपको 2 कलर्स मिल जाएंगे, ब्लैक एंड येलो। और साइजेस आपको इसमें 5 साइजेस मिल जाएंगे, एस एम एल एक्सएल एंड डबल एक्सएल। इसमें साइजेस भी अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, कॉटन है। आपको पता है कॉटन तो लाइक बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी में, पहनने के बाद आपको गर्मी नहीं लगती, आप इरिटेट नहीं होते हो। बहुत कंफी फील कराता है कॉटन। मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। चंचनान। हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट है ये। ये व्हाइट कलर का है और ये है इसका पैंट। ये स्ट्रेट पैंट है इसका। गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है, ये स्ट्रेट पैंट है और इसमें ऐसा लाइनिंग दिया हुआ है। इसके फैब्रिक आप देखो, इसमें ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है। एंड इसमें नीचे पैंट में ये इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। और ये यहाँ से ये पैंट का नीचे का ये लेस लगा हुआ है और इसमें ये चीज दिया हुआ है। ये है हमारा पैंट और बहुत ही कम्फी और बहुत ही अच्छा है। और इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलेगी, इसमें कोई पॉकेट नहीं है, बट बहुत कम्फी और बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, ये पैंट मैंने ट्राई ऑन वीडियोज बनाया है, आप ट्राई ऑन में देख पाएंगे साइड में कि ये सी थ्रू है। गाइस ओवरऑल ये कुर्ता सेट बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी कम्युनिटी पोस्ट में इसके पिक्चर्स भी हैं, आप देखो, ये बहुत ही सुंदर है। बट प्रॉब्लम है कि ये सी थ्रू है। आपको इसके नीचे सैटिन शॉर्ट्स एंड ऑल व्हाइट कलर का जो भी वेयर करना है, आपको व्हाइट वेयर करना पड़ेगा इसके साथ में, बिकॉज इसके अंदर का इनर एंड ऑल व्हाइट बनवा सकते हैं आप कुर्ते के साथ, तो आपका सी थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सी थ्रू वाला। बट अभी ये सी थ्रू है तो ये की प्रॉब्लम है मुझे इससे। बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। और ये है इसका कुर्ता। ये इसका नेक है, ये कुर्ते का, ये नेक है इसका कुर्ते का। और ये कॉलर में है कुर्ता, ये कॉलर है इसका। और इसमें भी सेम ये डिजाइन दिया हुआ है, इसमें भी ये सेम ऐसा सिल्वर का डिजाइनिंग किया हुआ है, सिल्वर लेस लगाया हुआ है, यहाँ पे बूटी टाइप्स लगाया हुआ है। और इसका स्लीव्स ये ऐसा है, 3/4 स्लीव्स है, फुल नहीं है, 3/4 स्लीव्स है। और ये शर्ट वाला पैटर्न दिया हुआ है स्लीव्स में। फ्रंट से ये कुछ ऐसा है, स्ट्रेट कुर्ता है गाइस। स्ट्रेट बोले तो थोड़ा सा राउंड शेप है नीचे से, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं, इसे राउंड शेप में है थोड़ा सा। और ये है इसका बैक जो कि प्लेन है। सो ये एम साइज है और जो मैंने पहना है ये एस है। सो ये एस साइज भी मुझे फिट आया और ये एम भी मुझे फिट आया, बिकॉज मीशो पे अभी ऑनलाइन में ऐसा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड उसके साइजेस के अकॉर्डिंग कभी एम भी आपको टाइट आता है, कभी एस भी आपको परफेक्ट आ जाता है, समटाइम्स एम आपको लूज होता है। सो अपने हिसाब से मुझे ये एस अच्छे से आ गया। और ये एम साइज मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ से दूर करती हूँ, बिकॉज मेरे को ये एस प्रॉपर फिट है, मतलब टाइट भी नहीं है लूज भी नहीं है, बट थोड़ा सा मैं लूज प्रेफर करती हूँ पहनना। सो एम साइज परफेक्ट रहता है, थोड़ा सा लूज रहता है बट परफेक्ट रहता है। तो अभी मैं आपको इसका प्राइस और इसका फैब्रिक बता देती हूँ। सो जब गाइज इसका फैब्रिक जो है वो रियॉन है और इसका जो प्राइस है वो आपको 489 रुपीज का मिलेगा। एंड सिंगल कलर है कोई और ये चीज कलर्स अवेलेबल नहीं है। एंड इसमें भी आपको 5 साइजेस मिल जाएंगे, एस एम एल एंड एक्सएल एंड डबल एक्सएल। और इसका फैब्रिक रियॉन है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग, फैब्रिक के अकॉर्डिंग, डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग, सारी चीजों के अकॉर्डिंग मेरी तरफ से थम्स अप है। बस सिर्फ और सिर्फ वो सी थ्रू है। तो इफ अगर आप इसके साथ में अंदर इनर पहन लोगे व्हाइट कलर की सेपरेटली बनवा के लेके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो मेरी तरफ से थम्स अप है गाइस। सो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो जो हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो है ये। सो ये ब्लू कलर में है और प्रिंटेड है, ब्लू काइंड ऑफ ऐसा स्काई ब्लू। सो मे बी कैमरा जस्टिस कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, या फिर कैमरे में थोड़ा सा कलर डिफरेंस हो जाता है। ये पैंट इसका ये प्रिंटेड है और ये कुर्ता भी इसका प्रिंटेड है। सो पहले मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ, बाकी डिटेलिंग आपको बताती हूँ मैं दिखाते हुए। सो ये है हमारा कुर्ता, स्ट्रेट कुर्ता है, आप देखो ये स्ट्रेट कुर्ता है। एंड ये है इसका नेक, राउंड नेक है। और नेक में एक जैसा पैंट में डिजाइन दिया हुआ है, सेम ऐसा डिजाइन दिया हुआ है, सेम कपड़ा लगाया हुआ है नेक पे स्टाइलिंग के लिए। और ये है इसकी स्लीव जो कि 3/4 है, फुल स्लीव्स नहीं है। और ये धागे वाला लेस लगाया हुआ है इसमें थोड़ा सा स्लीव्स में, और ये 3/4 स्लीव्स है। और ये एम साइज में मंगाया मैंने। सो ये एम साइज, इसका एम साइज भी मुझे बहुत फिट आ रहा है। अदरवाइज एम साइज में थोड़ा सा लूज होता है, बट इसका एम साइज भी मुझे फिट आ रहा है। सो ये इसकी स्लीव्स है, ये स्ट्रेट कुर्ता है एंड राउंड नेक है, एम साइज है, बैक से प्लेन है बिकॉज ये प्रिंटेड है। सो इसमें कोई भी ऐसा कुछ अलग नहीं किया, ओवरऑल प्रिंटेड है। सो अच्छा है, पहनने में बहुत अच्छा दिखता है। और ये है इसका पैंट गाइज। सो ये पैंट ये इलास्टिक है इसमें, और पॉकेट्स नो पॉकेट्स, कोई पॉकेट्स नहीं है, स्ट्रेट पैंट है। पैंट में भी ये प्रिंटेड कपड़ा ही है। सो व्हाइट व्हाइट ये बूटी फ्लावर टाइप में बना हुआ है, और ये नीचे से प्लेन है, ऐसा कुछ लेस एंड ऑल का नहीं है इसमें। सो अभी मैं आपको इसका प्राइस और इसका फैब्रिक बता देती हूँ। सो गाइस इसका जो प्राइस है वो 304 का है, 304 रुपए का इसका जो प्राइस है वो 304 है। और सिंगल ही अवेलेबल है, इसमें भी कोई आपको कलर अदरवाइज ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। इसमें भी आपको 5 साइजेस मिल जाएंगे। एंड जो फैब्रिक है वो कॉटन है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग, फैब्रिक के अकॉर्डिंग, फिट के अकॉर्डिंग, सारी साइजेस के अकॉर्डिंग थम्स अप है मेरी तरफ से। सो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट सूट सेट। सो जो हमारा नेक्स्ट सूट सेट है वो है ये। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो ये दुपट्टे के साथ है, उन तीनों के साथ दुपट्टा नहीं। जो मैं पहन के बैठी हूँ उसके साथ भी नहीं है, जो उसके बाद सेकंड वाला दिखाया उसके साथ भी दुपट्टा नहीं है, थर्ड वन दिखाया उसके साथ भी दुपट्टा नहीं है। सो ये 4th वन के साथ दुपट्टा है। सो ये है हमारा दुपट्टा। सो इसमें दुपट्टे में ऐसा ये नेट का दुपट्टा है, और इसमें ऐसा लेस लगाया हुआ है, ये दुपट्टे में ये लेस लगाया हुआ है इधर। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स धागे के बनाए हुए हैं पूरे नेट में, आप देखो इसमें पूरे में फ्लावर्स हैं। सो ये दुपट्टा है हमारा। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पैंट। सो ये है गाइस इसका पैंट। सो इसमें भी इलास्टिक है, और इसमें पॉकेट नहीं गाइस, ये मीशो पॉकेट नहीं दे रहे यार। पॉकेट से फोन रखने में, कुछ पैसे लेके जाने में नीचे हेल्प होता है। सो प्लेन पैंट है। सो ये पैंट है, कोई पॉकेट्स नहीं है इसमें। और अभी मैं आपको इसका कुर्ता दिखाती हूँ। सो ये है इसका कुर्ता। सो इसका जो साइज है वो एम है। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में ये नेट ये लेस लगाया हुआ है। जिगजैग वाला थोड़ा सा ही नेट का मतलब पतला पतला लेस लगाया हुआ है और राउंड नेट है, एम साइज है और नेट में ये डिजाइनिंग है, इसमें सीक्वेंस छोटे छोटे सीक्वेंस का वर्क हुआ है और ये कढ़ाई थ्रेड का वर्क है, धागा की कढ़ाई है धागे की। सो ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर बोले तो ऐसा मेहंदी कलर जो रहता है ना वो पत्ते वाली जो मेहंदी रहती है, हाँ काइंड ऑफ वो ग्रीन कलर है ये। सो ये बैक से प्लेन है और फ्रंट पे नेक पे ये डिजाइन है, बाकी स्ट्रेट कुर्ता है, ओवरऑल प्लेन है। सो ओवरऑल कुर्ता है, मैं आपको इसका नीचे का दिखा देती हूँ, ये है इसका सीन। सो ये ओवरऑल कुर्ता है। सो अभी मैं आपको इसका प्राइस एंड इसका फैब्रिक बता देती हूँ। सो ये 500 रुपीज का है, 499 रुपीज का ये कुर्ता सेट है विद दुपट्टा एंड साइजेस तो आपको इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको इसमें 7 साइज 8 साइजेस मिल जाएंगे। और बट हाँ कलर सिंगल सूट है, कोई कलर्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल पीस है, साइजेस आपको 7 मिल जाएंगे। एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन ब्लैंड है, कॉटन ब्लैंड फैब्रिक है ये। एंड रेटिंग्स इसकी बहुत अच्छी है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग, साइजेस के अकॉर्डिंग एंड फैब्रिक ओवरऑल, साइड में आप देख सकते हो पहनने के बाद कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, आप साइड में देखो। सो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, फिट एंड ऑल सब बहुत परफेक्ट है, प्राइस के अकॉर्डिंग विद दुपट्टा मिल रहा है। सो थम्स अप है गाइस। सो गाइज बढ़ते हैं अपने लास्ट कुर्ता सेट की तरफ और हमारा जो लास्ट कुर्ता सेट है वो है ये। सो व्हाइट इसका कुर्ता है और ग्रीन इसका पैंट है। सो पहले हम दिखाते हैं आपको इसका पैंट। हाँ गाइज इस पूरे हॉल वीडियो में सिर्फ एक ही सूट के साथ जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया उसके साथ ही दुपट्टा था, बाकी किसी के साथ दुपट्टा नहीं है। सो ये इसका पैंट है। सो ये ग्रीन कलर का पैंट है, इसमें आपको पॉकेट मिल जाएगा, ये इसमें पॉकेट है और इसमें बैक में ये इलास्टिक दिया हुआ है और फ्रंट में ये नाड़े वाला सिस्टम है। एंड इसमें साइज का यहाँ पे टैग लगाया हुआ है 40। सो ये पैंट है गाइज, इसका प्लेन पैंट, ये कपड़े में ऐसा लाइनिंग वाइट आप देख रहे होंगे दिया हुआ है और प्लेन पैंट है इसका। प्लेन मीन्स कि इसमें नीचे 3 बटन्स लगे हुए हैं, बस उतना ही है इसमें। एंड अभी मैं आपको उसका कुर्ता दिखा देती हूँ। सो ये है गाइज ये कुर्ता व्हाइट कलर का, लाइनिंग में व्हाइट कलर का। पहले मैं आपको इसका नीचे का दिखाती हूँ, स्ट्रेट कुर्ता है ये। और ये है इसकी स्लीव्स में ये धागे की कढ़ाई दी हुई है, 3/4 स्लीव्स है और ये स्लीव्स है इसकी और राउंड नेक है इसका, साइज एम है गाइज इसमें। सो ये है इसका नेक, राउंड नेक है, आप देखो ये है इसका नेक और इसमें ये धागे की कढ़ाई दी रखी है, आप देख पा रहे होंगे धागे की कढ़ाई है इसमें। सो प्राइस के अकॉर्डिंग एंड फैब्रिक के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग जब भी मैंने इसको पहना और आप देख सकते हो वीडियो में, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपको उसका पहले प्राइस बता देती हूँ। सो 381 रुपीज का है, जो आपको 381 रुपए का मिल जाएगा और इसमें आपको 2 कलर मिल जाएंगे। पैंट का ही कलर चेंज है, बाकी कुर्ते का तो सिर्फ डिजाइनिंग कढ़ाई थोड़ी चेंज है। सो आपको इसमें ग्रीन भी मिल जाएगा, रेड भी मिल जाएगा, बट कुर्ता व्हाइट ही रहेगा। और इसमें साइजेस आपको 4 मिल जाएंगे। 381 रुपीज का कुर्ता है और इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है। सो एक्चुअली खादी कॉटन फैब्रिक है, खादी कॉटन है। सो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। खादी मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत कड़क एंड ऐसा चुभने वाला ऐसा कुछ मटेरियल नहीं, बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग, फैब्रिक के अकॉर्डिंग, ओवरऑल थम्स अप है मेरी तरफ से इसके लिए। सो गाइज आज की वीडियो में 5 कुर्ता सेट्स मैंने आपको दिखाए, जिसमें से एक के साथ दुपट्टा था, बाकी सारे विदाउट दुपट्टा थे। सो दुपट्टा तो हम बाहर से भी ले सकते हैं, इफ अगर आपको कंपलसरी आपको ये करना है तो आप दुपट्टा तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इफ अगर आपको सूट पसंद आ रहे हैं देन, बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग, फैब्रिक के अकॉर्डिंग, सारी चीजों के अकॉर्डिंग सारे कुर्ता सेट्स बहुत ही अच्छे थे। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि देखते हैं आज मीशो हमको शॉक करेगा, सरप्राइज करेगा या फिर डिसअपॉइंट करेगा। सो सरप्राइज थी मैं। मतलब मैंने पहने थे, ये पहन के ट्राई किए हुए, देन मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे पाती हूँ, बिकॉज वो ट्राई करना पड़ता है। बिकॉज फिर अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी, आपको मैं ऐसे कुछ भी बताऊंगी तो वो भी नहीं चलेगा। सो जो भी है आपको जेन्युइन रिव्यू मिलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या क्वालिटी, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। सो सरप्राइजिंग वीडियो थी, बहुत ही अच्छे हैं। इफ अगर आपको अच्छे लगे तो अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप ये मंगा सकते हो। जिसका भी लिंक चाहिए आप मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। इवन मेरे कमेंट पोस्ट में लिंक आपको मिल जाएंगे सारे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड इफ अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय बाय गाइज, लव।